राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन एटा की ओर से रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारियों व रोडवेज कर्मियों की ओर से पिछले 3 महीने से नहीं मिल रहे वेतन व पेंशन के विरोध में केंद्रीय बस स्टैंड पर सरकार व निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। एटक के प्रदेश महासचिव संजय चौधरी ने बताया कि रोडवेज के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पिछले 3 महीने से पेंशन में वर्तमान कर्मचारियों का पिछले 2 माह से रोडवेज प्रशासन द्वारा वेतन नहीं दिया जा रहा है। रिटायर्ड कर्मचारियों का पिछले 1 साल से भुगतान नहीं किया गया, जिसके चलते कर्मचारी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। वर्तमान में महंगाई के इस दौर में रोडवेज कर्मचारियों को किसी दूसरे से पैसे लेकर अपने काम करने पड़ रहे हैं। सरकार द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बजट में भी रोडवेज की अनदेखी की गई। रोडवेज कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चे द्वारा भी पूर्व में कई बार धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन के माध्यम से सरकार व निगम प्रशासन को अवगत कराया जा चुका है कि रोडवेज कर्मचारियों को समय पर वेतन मिले। सरकार रोडवेज को धीरे धीरे खत्म करना चाहती है। अगर रोडवेज बंद हुई तो आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट बसों में मनमाना किराया वसूला जाएगा। उनकी आमजन से भी अपील है कि रोडवेज कर्मियों के हित में आगे आकर उनके साथ शामिल हो, जिससे कि रोडवेज को बचाया जा सके। इन्हीं समस्याओं के चलते आज बस स्टैंड पर दोनों आगार के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन किया गया है और मुख्य प्रबंधक को इन्हीं मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया है। विरोध प्रदर्शन तो क्या करना है जी, हमारे तो वर्षों से हम प्रदर्शन ही करते आ रहे हैं, लेकिन सरकारें हमारे और ध्यान ही नहीं दे रही। आज स्थिति यह है कि 31 तारीख को रिटायरमेंट कर्मचारियों के 3 महीने तो पेंशन को हो जाएंगे इस महंगाई के जमाने में। वर्किंग कर्मचारी जो है उनको 2 महीने का वेतन नहीं दिया गया। रिटायरमेंट कर्मचारियों के 1-1 साल का भुगतान नहीं हुआ। रोडवेज की हालत यह है कि पिछले 5 साल के अंदर कोई बसे ही नहीं है, 10 साल से कोई भर्ती नहीं हुई, तो रोडवेज कैसे चलेगी। रोडवेज का कर्मचारी इतना परेशान है जो आज के जमाने में खर्चा कैसे चलेगा। बैंक की किस्तें हैं, परिवार को चलाना है, तो आज प्रदर्शन यह कर रहे हैं अलवर व मत्स्य नगर शाखा के कर्मचारी मिलकर, उसमें रिटायरमेंट कर्मचारी भी हैं, क्योंकि रिटायरमेंट कर्मचारियों का भी भुगतान नहीं हो रहा। एक अपेक्षा रहती है कि रिटायरमेंट पर जो भुगतान मिलेगा उसके बाद परिवार का है, बच्चों का शादी ब्याह है, और भी काम है करने पड़ते हैं, लेकिन किसी तरह का कोई भुगतान नहीं हो रहा। तो रोडवेज का ये कह सकते हैं हम कि इससे बदतर स्थिति में कभी भी रोडवेज उद्योग नहीं पहुंचा, और जबकि इसको लाभ आने का सौदा माना जा रहा है सरकार की तरफ से। रोडवेज की जब स्थापना हुई तो उसमें शुद्ध यह है कि सीधा सीधा कि इसको प्रॉफिट एंड लॉस, फायदा नुकसान के नजरे से नहीं देखा जाए। रोडवेज उद्योग है जो जनता की सेवा के लिए बना है, कि फायदे नुकसान के लिए नहीं बना। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारे पास में कम से कम 2000 बसें तुरंत प्रभाव से रोडवेज के बेड़े में आए, 10000 भर्ती हो, जिससे कि उद्योग चले और जनता की बेहतर तरीके से सुविधा दे सकते हैं। मैं आपके मीडिया के माध्यम से जनता से भी एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर रोडवेज उद्योग बंद हो गया तो आज 45 से लेकर 50 सुविधाएं मिली हुई हैं निःशुल्क से लेकर कंसेशन की, वो सारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी अगर रोडवेज बंद हो गई तो, क्योंकि हमारे बराबर में MP रोडवेज बंद होने के बाद में प्राइवेट बस वालों ने वहाँ गुंडागर्दी कर रखी, मर्दिया जो किराया ले रहे हैं। तो जनता से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि समय रहते रोडवेज कर्मचारियों के साथ आंदोलन में भागीदारी निभाएं, जिससे कि उस उद्योग को बचाया जा सके। अदरवाइज ये बंद हो गया तो उसके बाद में आज ढाणी ढाणी गांव गांव पहुंचाने की रोडवेज के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि हर आदमी फोर व्हीलर या हवाई जहाज में तो घूम नहीं सकता, रोडवेज साधन है। इसलिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं और ज्ञापन भी दे रहे हैं जिससे कि हमारा समय पर निस्तारण हो और रोडवेज विभाग चले तो रोडवेज के कर्मचारियों में खुशहाली आए।